हाँ भैया, तो क्या हाल है? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड वी आर इन ड्रैगन मार्ट राइट नाउ। इट्स इन इंटरनेशनल सिटी। नहीं एज यू कैन सी इन माई प्रीवियस व्लॉग, लाइक हम सीजन बिरयानी खाई, दूसरे भी काम कर रहे थे, अब मैं यहाँ आ गया हूँ फाइनली। अच्छा, ड्रैगन मार्ट इसका नाम क्यों है? चाइनीज़ कल्चर के अंदर ना सब बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखो ना, हमने बचपन से कार्टून भी देखे हैं, फिल्में भी देखी हैं, तो मैं अच्छा आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये नज़र आया, ये इसका साइन है। और फिर और यहाँ पर टैक्सीज मिल जाती हैं आपको, छोड़ती भी यहाँ पर है अगर आप एंट्रेंस पे आना चाहो, क्योंकि बहुत सारे इसके डिपार्टमेंट से अलग अलग ना टैक्सी यहाँ मिल जाती है आपको। और यहाँ पे लड़ाई भी देखोगे अक्सर आप टैक्सी वालों की, अभी भी शोर मच रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना जो है सारा साइन है इसका, और ये एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। ये इज्जत चाहिए जिंदगी में यार, ये इज्जत चाहिए। आप आ रहे हो, दरवाजे खुद खुल रहे हैं, ये इज्जत चाहिए हमें। निकल लो। अच्छा भाई, तो ये देखो, वेलकम टू ड्रैगन मार्ट। ये एंट्रेंस है इसकी, ऊपर का स्टेज है, ये देखो यहाँ शॉपिंग वॉपिंग का सीन है। और अंदर जाएंगे हमें, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, आई थिंक वी विल हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड देयर, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। और उधर फिर बहुत बड़ा सीन है। अच्छा, ये इस तरह से बोर्ड्स होते हैं डायरेक्शंस के, कि कौन से जोन के अंदर आप खड़े हुए, और ये जोन का बकायदा इस तरह से नाम भी बताते हैं ये लोग। और जैसे अब आप ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल के एसेसरीज, बैग्स वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ये लेडीज़ के बैग्स वगैरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चों के खिलौने आ गए, अगर आप देखो यहाँ पे औरतों के कपड़े वगैरह चीज़ें वगैरह, लगेज बैगेजेस, हर तरह का आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो छोटा ड्रोन यहाँ पे, अरबिक के अंदर भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और अगर आप इस पे गौर करो तो ये वो अलग अपना टाइम है, जो मतलब नमाज का टाइमिंग यहाँ पे फिक्स होते हैं वो हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूटी बाइक्स वगैरह सब चीज़ें, CCTV कैमरास, दुनिया की हर चीज़ मिलती है ड्रैगन मार्ट में, हर इस्तेमाल की चीज़ मिलेगी आपको। अच्छा भाई, ये देखो भाई, ये ज़ीरो ट्रिमर वगैरह सारी हर तरह की मशीन है। और ये भाई, ये मसाज वाला है, मसाज करते हैं इससे, समझ रहे हो? तो मसाज का सीन है, गर्दन नेक वगैरह के मसाज के लिए होता है ये। ये देखो, चार्जर, CCTV, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे, लाइटर्स मौजूद हैं हर तरह के। ये देखो बेबी कैमरा। और अगर आप देखो तो ये आपकी वॉचेस के लिए, और अपना क्या है ये, हाँ ये जो मैंने लगवाया अपने पिछले व्लॉग के अंदर, कवर जो है आईफोन के जो लेंसेज होते हैं उसके लिए शील्ड है। ये देखो, तो हर तरह की चीज़ मौजूद है भाई। एयरपॉड्स मौजूद हैं, कॉपी है ये, बेसिकली ऑब्वियसली कॉपी होंगे लेकिन है, चल जाते हैं यार। हेडफोन्स, हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, ये लग रहा है मुझे ही देख रही है यार। अरबी लोग, पाकिस्तानी, इंडियन, हर तरह का बंदा आता है यहाँ पे, दुनिया का हर सामान मिलता है भाई, दुनिया का हर सामान, कोई भी चीज़ चाहिए ड्रैगन मार्ट में मिलेगी, और अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। हाँ, क्वालिटीज़ का है, कभी बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, कभी थोड़ी हल्की मिलती है, लेकिन सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये देखो, हर तरह के बॉक्सेस, मैन्युफैक्चरिंग की जो शॉप्स हैं, मतलब जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, हर तरह के मटेरियल यहाँ रखे हुए हैं, सैंपल्स रखे हुए हैं आपके पास यहाँ पे, हर चीज़ मिलती है मेरे भाई। अभी मैं जा रहा हूँ टीवी स्क्रीन्स लेने के लिए अपने एक दोस्त की दुकान पे, पुराना उससे जान पहचान हो गई थी, दोस्ती यहीं हुई थी, सामान लेते लेते यार उसकी शॉप पे जा रहे हैं। सही आया हूँ यहाँ पे, आ गए टीवी स्क्रीन्स, ठीक है भाई पकड़ते हैं इसको। तो भाई ये सीन है, ये टीवी का शॉप है, स्क्रीन्स का, बेसिकली वॉट एवर कैमराज वी आर इंस्टॉलिंग एट होम। अभी कभी भी किसी को चाहिए होता है कैमरे, एसेसरीज हैं सारी, ये शॉप है। शॉप बता दो अपनी, शॉप का नंबर क्या है भाई? ये BAF 08। तो मैं यहाँ से काफ़ी, मतलब मुझे कम से कम 2-3 साल हो गए, मैं बार बार टीवी स्क्रीन्स लेके जाता हूँ, वारंटी भी होती है, कभी ऐसा मसला भी आया तो रिप्लेसमेंट भी हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ज़्यादातर ये हैदराबाद के हैं आप लोग सारे?
इरफान भाई नहीं है, वो छुट्टी पे गए हैं, तो अब जाहिर सी बात है मैं लेने आया हूँ सामान, तो मैं इनसे बात करूँगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके पास सामान होता है अच्छा हर कैटेगरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स पे डील करते हैं ज़्यादातर, ये टीवी स्क्रीन्स वगैरह पे करते हैं और ये एसेसरीज वगैरह पे, केबलिंग वगैरह पे। ये हमारा बॉडी बिल्डर है, यहाँ का सलमान खान यही है, बस यही होना भाई। सलमान खान बॉडी बनाएगा ऐसे ही रहेगा, शर्ट नहीं उतारना, लेकिन ये नहीं करनी है शर्ट नहीं उतारनी। मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ तब लेते हैं यार टीवी। The next day. हाँ भाई, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब क्या होगा। मुझे आज कुछ पेमेंट्स करनी थी, मैं आ गया हूँ बिजनेस भी, अब जा रहा हूँ बेस स्क्वायर की तरफ। तो आपका बहुत बहुत क्या बोलते हैं, खुश आमदीद आपको। बिल्कुल समझ नहीं आते। तो भाई ये जो बिल्डिंग है ना सामने, ये है बेस स्क्वायर, और बिजनेस बे के अंदर जो बिल्डिंग है ना, ज़्यादातर यहाँ पे जॉब का सीन है, लोग जॉब के लिए बहुत आते हैं इन एरियाज के अंदर, और उन जॉब्स के लिए डिज़ाइन से रिलेटेड ऑफिस, आर्किटेक्चर से रिलेटेड ऑफिस, आर्ट से रिलेटेड और जितने भी ऑफिस हैं ना, वो ज़्यादातर बे स्क्वायर के अंदर भी हैं। और बिल्डिंग्स में हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है बे स्क्वायर में। तो अगर कोई ऐसा नया बंदा आता है कि दुबई के अंदर जॉब ढूंढ रहा होता है, तो दिस इज़ द प्रॉपर प्लेस टू यू नो चेक द जॉब्स एंड ऑल द थिंग। हाँ, सो मेनी बिल्डिंग्स विल नॉट अलाउ यू टू गो इनसाइड विदाउट परमिशन और द एक्सेस कार्ड, और दे विल आस्क यू टू शो द ईमेल और समथिंग लाइक दैट, बट यू कैन ट्राई एटलीस्ट टू टेक द नेम्स फ्रॉम द नोटिस बोर्ड, उससे आप नाम निकाल सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो, और ऑनलाइन जाके उन कंपनी से कम कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि यार मेरा ये प्रोफाइल है और ये मैं जॉब चाह रहा हूँ। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। बहुत सारी जगह पर आप डायरेक्ट नहीं भी जा सकते, वो अलग बात है, क्योंकि कंपनीज के पास काम होता है, अलाउ नहीं करते आपको, लेकिन आप कम से कम उनका नाम देख तो सकते हो भाई। यार सबसे बुरी चीज़ होती है वेटिंग, वेटिंग वेटिंग वो नहीं होती है, चाहे वो पेपर्स का वेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, वेटिंग नहीं हो पाती है, बंदा बोर हो जाता है उसके।